13 देखिए, कह रहा कि द सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कमेंट। कह रहे हैं कि जो सी वाटर होता है, समुद्र से अगर हम वाटर का सैंपल लेके आए तो बोला रहा है भाई उसको होमोजीनियस भी कंसीडर किया जाता है, हेट्रोजीनियस भी। तो पहले तो आप होमोजीनियस हेट्रोजीनियस समझ लीजिए। होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होगा, सेम। और हेट्रोजीनियस में कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होगा। फटाफट इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे नमक और पानी का घोल है अगर, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नमक लीजिए, पानी में डालिए, अच्छे से उसको स्टिर कर लीजिए, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है। क्योंकि आप अगर कहीं से भी सैंपल लें, देखिए ये, देखिए ये क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर है, मतलब कॉमन सॉल्ट है। सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन हमने लिया, तो यहाँ से चाहे सैंपल लो, यहाँ से सैंपल लो, यहाँ से सैंपल लो, पर यूनिट वॉल्यूम में आपको कॉम्पोजिशन सेम ही मिलेगा, मतलब नमक और वाटर का जो रेशियो है वो सेम मिलेगा, ओके। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे नमकीन का मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो उसमें क्या है, नमकीन है आपके पास, मान लीजिए जो भुजिया वगैरह आप खाते हो, ये नमकीन। तो यहाँ आपने उठाया, यहाँ से दो बादाम मिल गए, यहाँ बादाम ही नहीं, यहाँ से मूंगफली मिल गई, तो इस तरीके से ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मतलब आप पर यूनिट वॉल्यूम में अगर उसका कॉम्पोजिशन चेक करो तो वो डिफरेंट आ रहा है, थ्रू आउट द मिक्सचर कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। तो ये आसान भाषा में हमने आपको बताया, कह रहे हैं सी वाटर का जब हम सैंपल लेके आते हैं, समुद्र का जो पानी होता है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों ही क्यों कंसिडर किया जाता है। तो जवाब सुनिए, जवाब ये है कि अगर देखिए सी वाटर के सरफेस से अगर आप सैंपल लेके आए हो, सी वाटर के सरफेस से अगर आप सैंपल लेके आए हो, वहां से अगर आप पानी लेके आए हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें केवल सॉल्ट और वाटर होगा। सॉल्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, आप ये मत समझिए कि केवल सोडियम क्लोराइड ही होगा वहां पर, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन होगा अगर आपने सरफेस से सैंपल लिया। लेकिन अगर आप डीपली चले जाओ समुद्र में, गहराई पे अगर आप उतरो, जैसे स्कूबा डाइवर जो होते हैं वो जाते हैं, तो आप अगर नीचे जाओ सरफेस पे, उसके डीप चले जाओ, तो आपको वहाँ पर बच्चों अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलेंगी। जैसे सॉल्ट और वाटर तो मिलेगा ही, साथ में मड मिलेगा, और जो डिकेड प्लांट जो सड़ गए हैं नीचे वो मिलेंगे, जो प्लांट्स ख़राब हो गए वो मिल गए, और एनिमल्स के जो आपके जिसको हम फॉसिल्स बोल सकते हैं, ठीक है, एनिमल के जो जो भी मतलब एनिमल जो डेड हो जाते हैं उनके बॉडी के पार्ट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप वहाँ से सैंपल लेके आओगे तो आपको पर यूनिट वॉल्यूम में कॉम्पोजिशन सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या कमेंट करना है। तो सिंपल, हमें दो कमेंट करने, क्या, अगर हम सरफेस से सैंपल लेके आते हैं तो वो होमोजीनियस होगा बिकॉज वहाँ सॉल्ट और वाटर होगा, और अगर हम डीप चले जाते हैं वहाँ से सैंपल लेके आते हैं तो मड, प्लांट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स वहाँ से हमें मिलेंगी, जो कि हेट्रोजीनियस होगा। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, ये आंसर है। सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल ऑफ सी वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी कैन बी कंसिडर एज वॉट, होमोजीनियस। तो सी वाटर इन दिस केस कैन बी कंसिडर एज होमोजीनियस मिक्सचर, वाई, बिकॉज इट हैज ओनली सॉल्ट एंड वाटर, ओके, when it has only salt and water. Number 2, sample of water collect, sample of water नहीं, sample of sea water होना चाहिए यहाँ। तो sample of sea water collected from deep sea, मतलब समुद्र में गहराई पे जाके जब हम collect करते हैं, तो this can be considered as heterogeneous mixture. Sea water will be heterogeneous mixture in this case when the sample is collected from the deeper layers. Why? Because it contains salt, water, mud, decayed plants, etc. तो इस तरीके से आपको exam में लिखना है, okay, कर लीजिए।